नमस्कार दोस्तों, आज आपको लिए चलते हैं गंगा मैया के दर्शन के लिए। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड का बहुत ही पवित्र शहर जिसको आप सभी लोग हरिद्वार के नाम से जानते हैं, आज हम आए हुए हैं हरिद्वार में माँ गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं शाम का समय है, बहुत सुहाना मौसम है, गंगा मैया की धारा कैसे अच्छे तरीके से बह रही है और इस समय हम हैं हर की पौड़ी पे। जी हाँ दोस्तों, हर की पौड़ी के बारे में जैसा कि बताया जाता है, आप सभी को भी पता होगा, आपने पुराणों में सुना भी है। जब भस्मासुर ने शंकर भगवान से वरदान प्राप्त किया भस्म करने का और वो भस्मासुर शंकर भगवान के ही पीछे पड़ गया, तो उसका वध करने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था और जहाँ पे उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था उस जगह पे आज भी उनके निशान हैं और वो जगह है हर की पौड़ी। इसलिए हर की पौड़ी कहा जाता है क्योंकि वहीं पे श्री विष्णु भगवान जी ने मोहिनी रूप धारण किया था और उसके बाद भस्मासुर का संहार किया था। जैसा कि आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे सावन के महीने में विशेष पूजा होती है, कावड़ यात्रा निकलती है, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। उसके बाद महाशिवरात्रि फागुन महीने में आती है, तब भी यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, बहुत महत्व है इस पूजा का। इसके साथ साथ यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, उसमें भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पे शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ एक से बढ़के एक नज़ारा, कुदरत का करिश्मा जिसको हम बोले वो यही है, पाप नाशिनी जिसको बोला जाता है वो है गंगे मैया। आज हम आपको लेके आए हैं गंगा मैया के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी जल ही जल नज़र आएगा आपको, जल नहीं ये अमृत है। यहाँ पे पितरों का पिंडदान करने से उनको मोक्ष प्राप्त होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। भागीरथ ने जो पूजा की थी, जो तपस्या की थी, अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए की थी और वो धरती पे लेके आए थे गंगा मैया को अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए। ये है मोक्षदायिनी पापनाशिनी गंगे मैया। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के साथ ऐसे अच्छे अच्छे तीर्थ स्थानों पे आपको लिए चलेंगे। दोस्तों, ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए, ऐसे ही तीर्थों की वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ स्थानों की और धार्मिक स्थानों की आपको वीडियो बना के भेज सकें, उनके बारे में आपको जानकारी दे सकें। आप सभी भक्तजनों को हर गंगे नमस्कार, हरे कृष्ण।